हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 6 महीने पहले हमने अपनी बाइक में एक मॉडिफिकेशन किया था डुअल डिस्क का, जिसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आते हैं और मैसेजेस आते हैं। हालांकि हर चीज़ मैंने वीडियो में बता दी है, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें प्रॉपर डिटेल हो, ए टू जेड सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो जो कमेंट आए हैं उनमें से कुछ के मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम वो कमेंट पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा आते हैं। रोहन ठाकुर लिखते हैं, भाई बेंजो बोल्ट डबल लाइन वाला कौन सी बाइक का है? और एलेक्स जॉन लिखते हैं, भाई डबल बेंजो बोल्ट कहाँ से परचेस किया? और आशीर्वाद खुंटिया ये लिखते हैं, भाई नाम तो थोड़ा सही रखा करो यार। डुअल होल बोल्ट कहाँ से लिया, कौन से शोरूम से? तो भाई ये किसी शोरूम से नहीं लिया मैंने, और ना ये किसी बाइक का है। ये सुपर बाइक में आता है जिनमें डबल डिस्क होते हैं आगे, तो खैर हमने तो वहाँ से नहीं लिया, लेकिन अगर आप चाहें तो किसी भी सुपर बाइक का उसके शोरूम से ले सकते हैं। मैंने लिया है, इंस्टाग्राम पर एक पेज है डीसी पिट शॉप करके, उनसे मैंने लिया था ये। और अब बता दूं मैं आपको बेंजो बोल्ट क्या होता है। जिसमें ये पाइप फिट होता है ये होता है बेंजो बोल्ट। इसके अंदर एक पाइप है, डबल बेंजो बोल्ट में डबल पाइप है जो कि उस तरफ है। अभी उसको भी हम अच्छे से दिखा देंगे। अगला कमेंट पढ़ते हैं। डोमी राइडर लिखते हैं, भाई प्लेट कितने में मिलती है, डिस्क प्लेट लगाया वो? तो उसी के रिगार्डिंग 2-3 कमेंट हो रहे हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। भैया हब बनाना है मुझे, शॉप कहाँ है इनकी? ब्लैक पेंथर ने लिखा है ये। एक और पढ़ लेते हैं। प्रीतम देवनाथ लिखते हैं, आपने पहले वीडियो में 20 mm बोला था और इस वीडियो में आपने 13 mm क्यों कहा? भाई इस प्लेट की बात कर रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको पास से। ये जो हब हमने बनाया है जिसके ऊपर डिस्क प्लेट फिट है, तो इसकी टोटल विड्थ है 25 mm। पहले जो मैंने फर्स्ट पार्ट में जो 20 mm बनाई थी वो इसलिए, उसमें कैलीपर फिट नहीं था तो हमने अंदाज से 20 mm का साइज़ लेके बना लिया था। लेकिन बाद में जब कैलीपर फिट हुआ तो उसका मेजरमेंट थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ा। तो कुल मिला के ये इसकी थिकनेस जो है 25 mm है। मैंने दो पार्ट में लगाया, एक 12 और एक 13, क्योंकि एक बन चुका था ऑलरेडी। आप सिंगल लगा सकते हैं 25 mm की, अंदर से लेके बाहर तक थिकनेस, उसके ऊपर ये प्लेट आराम से फिट हो जाएगी। वंदित एम लिखते हैं, इज दैट एल्यूमिनियम हब और माइल्ड स्टील? तो भाई मुझे उस टाइम पे एल्यूमिनियम अवेलेबल नहीं हुआ था तो मैंने लोहे का ही बनवाया था, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप बनवा रहा हो तो एल्यूमिनियम का बनवाइए। उसका वेट जो है काफ़ी कम रहता है, थोड़ा सा वो कॉस्टली भी पड़ता है मगर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला कमेंट एक और है, भाई फोर्क प्रोटेक्टर कैसे फिट किया? वो पल्सर 220 के एक्सल का नट निकाल दिया राइट साइड से, एलेक्स जॉन ने कमेंट किया ये। अगेन अजीब नाम इनका भी। तो भाई इसके बारे में बात कर रहा है, ये प्रोटेक्टर जो हमने लगाया कुछ नहीं है, इसको स्क्रू की तरह यहाँ से खुल जाता है और एक्सल इसके अंदर से लगता है। जैसे एक्सल फिट होता है नॉर्मली वैसे फिट होना है इसको, दो पार्ट में, एक अंदर का और एक बाहर का। तो एक्सल फिट करने के बाद बाहर का एक कवर स्क्रू की तरह लग जाता है। ये बहुत सिंपल है, तो आप जहाँ से ख़रीदेंगे तो वो शॉपकीपर ही आपको बता देगा। अगला कमेंट किया है हंटर ने, वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, एक तरफ वेट ज़्यादा होगा स्पेसर और हब की वजह से। अनिकेत हेल्डर भी लिखते हैं, भाई अलाइनमेंट तो नहीं रहेगा बाइक का? तो भाई अलाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अच्छे तरीके से गाड़ी को खूब चला के भगा के चेक कर लिया है। हैंडल छोड़ के भी चलाइए गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें, क्योंकि ये जो है व्हील के सेंटर में है। अगर आउटर साइड में होता है, ये कुछ हम ऐसा बनाते हैं जो व्हील के बाहर साइड होता, तो उससे अलाइनमेंट बिगड़ सकता था, बट इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आया, जैसा का तैसा ही है ये। अविनाश कुमार लिखते हैं, आपका वीडियो प्रॉपर डिटेल के साथ है, मैं भी अपनी NS 200 में करूँगा, थैंक यू। ठीक है भाई, गुड लक मेरी तरफ से और थैंक यू फॉर कमेंट। हाइड्रा हाइपर गेमिंग जोन ये लिखते हैं, ब्रो मेरी डोमिनार 400 है, उसमें कैसे करवाऊँ? कैसी बात करते हो भाई, डोमिनारी तो है, जैसे हमने डोमिनार में की आप भी वैसी करवा सकते हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ सवाल और आते हैं, सेम प्रोसेस से KTM 250 BS6 में लग जाएगा, KTM RC 200 में सेम हो जाएगा? भाई यार बता देना किस तरह क्या होना है, मुझे भी करवाना है। आर इन्फिनिटी और शावेज राइडर, इन दो के कमेंट आए ये। तो भाई जिस तरीके से डोमिनार का सस्पेंशन है उसी तरीके का KTM का, RC का और ड्यूक का भी है, दोनों में सब कुछ सेम है, कैलीपर से लेकर डिस्क प्लेट सस्पेंशन, व्हील का डिज़ाइन थोड़ा बहुत अलग है लेकिन साइज़ वगैरह सब कुछ उसका सेम ही है। तो जैसा हमने इसमें काम किया है सेम उसी तरीके से आप KTM की कोई भी बाइक में कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी सवाल हैं लोगों के, जैसे एक रविंद्र सोनी ने कमेंट किया है, मुझे अपनी होंडा हाइनेस में डबल डिस्क चाहिए लेकिन डमी कितने में हो जाता है? तो भाई डमी डिस्क के लिए आपको एक डिस्क प्लेट खरीदना है नई जो करीबन 2000 के आसपास आएगी, और 1000 से 1500 रुपये आपका लेथ वर्क पर लग जाएगा ये हब बनाने के लिए। बस ये दो चीज़ें आपको लेना है और फिट करा लेना है बाइक में, तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा इसमें आपका। बट आप खर्चा कर ही रहे हो तो थोड़ा सा और स्पेंड करके इसको वर्किंग में ही बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अविनाश कुमार ने लिखा है, मुझे अपने NS पे करवाना है, कैसे कराऊं भाई, सजेस्ट मी।
एक यूज़र लिखते हैं भाई पल्सर RS 200 को भी बैठ जाएगा क्या। अतुल कमेंट करते हैं कैन यू हेल्प मी फॉर द सेम इन मेटियोर 650, आई लिव इन जबलपुर, कैन ब्रिंग द बाइक टू भोपाल ऑल्सो इफ़ नीडेड। तो अतुल भाई आप बाइक भोपाल भिजा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं कहूँगा अगर आपका भोपाल आना हो तो आप बाइक लेकर आ जाइए, उसके अंदर हम देख लेंगे किस तरीके से होना है। इम्पॉसिबल नहीं है, उसमें भी आराम से हो सकता है, थोड़ा बहुत उसका मैकेनिज्म अलग है और कॉस्ट भी उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी इससे, क्योंकि रॉयल इनफील्ड के पार्ट्स थोड़े से महंगे हैं। और रही बात NS और RS की, तो उनमें भी फिट हो जाएगा। जिस तरीके से हमने इसमें इनर ट्यूब डाला है, उसके अंदर हम लोअर बॉटल चेंज करेंगे एक साइड की और कैलिपर इंस्टॉल हो जाएगा उसमें भी। फैंटासीजर फेज लिखते हैं भाई मुझे भी डुअल डिस्क लगाना है, मैं झारखंड के एक छोटे से शहर से हूँ, कुछ आइडिया दीजिए। भाई ये सारे आइडियाज़ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो इस वीडियो को आप देख लेना और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाले उनसे आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। कुमार मिथिलेश लिखते हैं दिस आर कॉल्ड द रियल मॉडिफिकेशन, नॉट लाइक पुटिंग अ लाइट और सम स्टिकर एंड मेड अ वीडियो सेइंग मॉडिफाइड, ग्रेट जॉब, कीप इट अप। थैंक यू कुमार मिथिलेश भाई फॉर दिस लवली कमेंट, थैंक यू वेरी मच। इसी टाइप के कमेंट से मोटिवेशन मिलती है। अगला कमेंट है रोशन ने किया है भाई GD 650 का डिस्प्ले फिट करो, अच्छा लुक आएगा। हाँ भाई लुक काफ़ी अच्छा आएगा उसका, लेकिन उसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मैंने वो डाली नहीं, क्योंकि जितने की इसकी दोनों प्लेटें आएंगी उतने में हमारा पूरा काम ही हो गया। अगर मुझे कहीं मिल जाएंगी अच्छे प्राइस पे तो मैं ज़रूर चेंज करूँगा। और एक मोजो की डिस्प्लेट वो भी काफ़ी अच्छी हैं, अगर वो मिल जाएंगी तो मैं वो इंस्टॉल कर लूँगा। उदय चंग में लिखते हैं व्हाट अबाउट ABS, और एक और कमेंट आया फ्रंट डुअल डिस्क वर्किंग ABS। तो भाई ABS बिल्कुल वर्किंग में, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा पहले काम करता था बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, क्योंकि ABS में हमने कोई छेड़खानी करी नहीं है। एक कमेंट आया व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंस आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ डुअल डिस्क, भाई डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, पहले के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग होती है गाड़ी में। मोहित कुमार कमेंट करते हैं ब्रेकिंग टेस्ट वीडियो, तो भाई इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, KTM के साथ हमने कंपेयर करा था इसका ब्रेकिंग, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लेना। प्रशांत लिखते हैं इज दिस RTO लीगल ऑल्सो डज दिस वॉइड इंश्योरेंस क्लेम, भाई ऐसा मॉडिफिकेशन करते टाइम ये भी बताया करो। तो भाई बिल्कुल RTO लीगल है, इसमें RTO का कोई भी पंगा नहीं है, ना इससे आपका इंश्योरेंस अवॉइड होगा, आपको जो भी क्लेम लेना है इसमें पूरा 100% क्लेम मिलेगा आपको। बस आपने जो अलग से चीज़ें हमने इसमें लगाई हैं जैसे डिस्क प्लेट कैलिपर जो शोरूम से नहीं आता, एक साइड का तो क्लेम मिल जाएगा, दूसरे साइड में प्रॉब्लम हो सकती है। मोक्षा मैक्सम लिखते हैं इतना शौक है तो सुपर बाइक ले लेता तू, भाई शौक तो बहुत है, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। और रही बात सुपर बाइक की तो सबर करो, वो भी ले लेंगे हम इंशाल्लाह। अविनाश कुमार लिखते हैं आप रहते कहाँ भाई, शॉप का लोकेशन बता दो। भाई मेरी कोई शॉप नहीं है और मैं भोपाल में रहता हूँ, मैं अपने घर से ही काम करता हूँ अपने शौक के लिए। इसी तरीके से 3-4 कमेंट हो रहे हैं भाई आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है, फ़ोन नंबर मिल सकता है, भाई किधर से कराया है लोकेशन बता दो, ब्रो शेयर मी योर कॉन्टेक्ट डिटेल, आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेक माई डोमिनार दिस सेम एज योर बाइक। तो भाई आप बिल्कुल करा सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, फिर भी कुछ रह गया तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बाकी मैं फ़ोन नंबर शेयर नहीं कर सकता यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपको जो बात करना है आप मुझसे कर लीजिए। और मेरी कोई शॉप नहीं है, मैं घर से काम करता हूँ अपना। एक कमेंट आया है जिनका नाम है नथिंग, नाम भी ऐसे ऐसे हैं इन लोगों के, राइट साइड में लेफ्ट वाला ही सस्पेंशन है क्या? हाँ भाई राइट साइड में लेफ्ट वाला ही है, पूरा नहीं है सिर्फ इनर ट्यूब लगाया हमने। आर इन्फिनिटी दोबारा कमेंट करते हैं और राइट साइड का ब्रेक को पकड़ के रखता है वो फोर्क कहाँ से मिलेगा? राइट साइड के इनर ट्यूब के बात कर रहे हैं भाई, सस्पेंशन का जो लोअर पार्ट है भाई शोरूम से मिल जाएगा, अगर आप KTM के शोरूम से भी ले सकते हैं, बजाज के शोरूम से भी ले सकते हैं, और एक बजाज की वेबसाइट है 99rpm.com करके, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। फ्रंट एक्सेल कौन सा है, इनर ट्यूब प्राइस, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ बाइपर कैलिपर, सर जी कितना खर्चा है? ये खर्चे के रिगार्डिंग काफ़ी सारे कमेंट आए तो इनके लिए मैं प्रॉपर आपको सारी चीज़ें एक बार में बता देता हूँ। तो अब बात करते हैं खर्चे की, तो सबसे पहले हमने बनवाया था ये सेंटर वाला हब, लेथ वर्क पे हमने इसको बनवाया था, जिसकी कॉस्ट पड़ी थी हमें तकरीबन 1500 के आसपास। इसका साइज़ मैं मेंशन कर दूंगा साइड में फ़ोटो में, आप देख लेना। उसके बाद हमने ये डिस्प्ले लिया था 2800 रुपये का, तो ये हब को हमने फ़िट किया है अलॉय व्हील पे, और हब के ऊपर फ़िट कर दी हमने डिस्प्ले, और ये एक ABS प्लेट हमने ली थी, तो ये करीब 200-250 के आसपास ये ली थी हमने। उसके बाद हमने ये इनर ट्यूब लगाया था इसमें, राइट साइड में जो आता है उसके अंदर ये माउंट नहीं होता जिसके अंदर कैलिपर फिट हो सके, तो उसको हमने चेंज करके कंप्लीट यहाँ से अंदर तक रहता है ये, यहाँ से लेके अंदर तक,
तो ये वाला जो पीस है 4000 के आसपास इसकी प्राइस थी लेफ्ट वाले की। लेफ्ट वाला हमने ख़रीद के राइट साइड में फ़िट कर दिया जिसमें कैलिपर फिट हो सके, और कैलिपर हमने लिया था करीब 3000 के आसपास इसकी प्राइस थी। तो ये पलट के लगा है, इस तरफ जब लगता है लेफ्ट साइड में तो ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर आता है, तो हमने इसको घुमा के इस तरफ लगा लिया, इजीली फिट हो गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है बिल्कुल, कोई कह नहीं सकता ये अलग से फिट हुआ है। तो आप समझ गए होंगे 1500, 2800, 4000, 3000 और 1000 की ये पाइप ली थी हमने, N160 की थी। तो आप जोड़ लीजिए 1500, 2800, 4000, 3000 और 1000 की हमने पाइप ली थी पल्सर N160 की। और डेंजो बोल्ट भी बता देता हूँ आपको, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। ये है वो बेंजो बोल्ट, इसके अंदर आप देख सकते हैं दो पाइप लगे हैं, एक पाइप जो है राइट साइड वाले कैलिपर का आया है और एक पाइप जो है ये ABS से आया है। और ABS का मैं बता दूं, ये जो रिंग लगा हुआ है इससे जो है गाड़ी स्पीड सेंस करती है और इसी से काम करता है ABS, इसी से सेंसर काम करता है, ये सेंसर लगा हुआ है इसका। तो यहाँ से सेंसर की वायर जाती है ABS मॉड्यूल में ECU के थ्रू, और वहाँ से फिर जो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं डायरेक्ट कैलिपर में नहीं आता, पहले ABS यूनिट में जाता है पावर, फिर वहाँ से पावर आता है इस पाइप के थ्रू ये वाले कैलिपर में। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दोनों पाइप अटैच है तो पावर एक में नहीं आती, एक साथ दोनों कैलिपर में पावर आती है। तो ABS भी काम करता है तो दोनों कैलिपर वर्किंग में काम करते हैं उसके साथ, और अगर ABS को ऑफ़ कर देंगे हम तो फिर दोनों उसके हिसाब से भी दोनों कैलिपर ही काम करेंगे। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि अलग अलग ABS होता है, ABS एक ही होता है और कुछ अलग से खर्चा नहीं। हाँ, इसके अंदर एक्सल लगाया हमने, पल्सर 220 का रियर एक्सल लगाया। पल्सर 220 का रियर एक्सल लगाया इसमें, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। मास्टर सिलेंडर हमने चेंज नहीं करा, ये ओरिजिनल ही है। कुछ लोग बोलते हैं मास्टर सिलेंडर भी चेंज करना पड़ेगा, बट मेरे केस में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी ब्रेकिंग आती है इसी स्टॉक मास्टर सिलेंडर से, इसमें हमने कुछ भी छिड़खानी नहीं करी, बिल्कुल ओरिजिनल है। बस फ़र्क इतना है ये पहले जो है इतना क्लिक होता था, अब ये इतना क्लिक होता है, वो जाहिर सी बात है क्योंकि कैलिपर जो है डबल हो गए हैं तो प्रेशर इसको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, बस इसके लिए इसकी थोड़ी सी प्ले जो है बढ़ गई है। बाकी ब्रेकिंग जो है एक नंबर ब्रेकिंग है इसकी, और अगर चाहूँ लगाना तो सुपर बाइक का बेनेली का या कावासाकी का लगा भी सकते हैं, तो उसके अंदर ये क्लिक जो है कम हो जाएगी, बट मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है, इसी में बेहतरीन काम कर रहा है 100%। काफ़ी ज़्यादा बल्कि और भारी बाइक लगने लगती है डबल डिक से, सबसे अच्छा मॉडिफिकेशन है ये मेरी बाइक में, और काम का भी है, सिर्फ नाम का नहीं है ये। तो देखा आपने, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी इस वीडियो में, जितना मुझसे बन सका मैंने सारी डिटेल्स आपको दी है इसमें, और फिर भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन रह गए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अब इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।